नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ इज़ कोमल शर्मा एंड आई एम लेक्चरर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजी फॉर कम्युनिकेशन स्किल। जैसा हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश में होता है एंड बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करते, जिससे क्या होता है कि वो मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते, पासिंग मार्क्स भी। सो दैट इसके बारे में मैं कुछ स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप इजीली इसे ट्रैक कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं। तो जो हमारे कंटेंट्स हैं, तो कंटेंट्स में सबसे पहला बेसिक कम्युनिकेशन। तो बेसिक कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते हैं बेसिक्स कम्युनिकेशन के, जिसमें आपका डेफिनेशन, टूल्स, बैरियर्स, इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री के साथ आप पढ़ते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन होता है बेसिक कम्युनिकेशन, ये 12 मार्क्स का होता है आपका, जो कि आपको तैयार करना होता है। और इसमें आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर होते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 12 मार्क्स इसमें आप अचीव कर रहे हैं, है ना। सेकेंड जो हमारा है अनसीन पैसेज, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट का ही एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें 4 मार्क्स आप गेन करते हैं। इसमें कोई भी अनसीन पैसेज आपका आ जाता है, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। एंड इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए आप क्या करें, अनसीन पैसेज को, जो पैसेज आपका एग्जामिनेशन में आया है, उसको केयरफुली रीड करें। केयरफुली रीड करने के बाद उसे समझें, हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप केयरफुली उसे रीड करेंगे शांति से, है ना, माइंड को शांत रखते हुए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में है ये, तो क्योंकि आप कंफर्टेबल रहते नहीं हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना है, ध्यान से इसे पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर करना है। इससे क्या होगा कि आप एक्यूरेसी के साथ उनको आंसर कर पाएंगे। और अटेम्प्ट कितने करेंगे, 4 मार्क्स टोटल हो गया हमारा, 12 + 4 यानी कि 16 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। एंड ये थर्ड पोर्शन जो है इसका, वो आता है आपका नोटिस। अब नोटिस देखिए, आपको पता है कि जो लेटर राइटिंग होती है या फिर नोटिस होते हैं, उसमें एक फॉर्मेट होता है। तो वो जो फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट, उसको आपको सीखना है। यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो लैंग्वेज आती है, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम भी कम रह गया एग्जामिनेशन का, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 3, 4 या 5 नोटिस कम से कम ये कर लेने हैं आपको। इसको अच्छी तरह से रीड करके उनको शॉर्ट आउट करना है, सॉल्यूशन करना है उनका। इससे क्या होगा, उसकी जो एक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, वो आपको मालूम पड़ेगी। और उस लैंग्वेज को यदि आप सीख लेते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो फॉर्मेटिंग आपकी सही होगी, सेकंड आपका जो उसकी लैंग्वेज है प्रॉपर वे में आप यूज़ कर पाएंगे, है ना। यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, तो मतलब 6 मार्क्स का ये होता है, आप 4 मार्क्स इजीली 3 और 4 मार्क्स अचीव कर लेंगे, है ना। यदि आप पूरी तरह से इसे तैयार कर लेते हैं, वेल एंड गुड, तो आप अचीव कर लेते हैं 6 + 4 = 12 यानी कि 22 मार्क्स। ये है थ्योरेटिकल पार्ट, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन में लेने जा रही हूँ, वो है आपका लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल इन द सेंस कि जो आपका ग्रामर पार्ट है, है ना। तो ग्रामर पार्ट में आपका आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस एंड टेंसेस, जो मेन पार्ट है ग्रामर का। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सीखने के लिए टेंसेस आने ज़रूरी हैं, है ना। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, कैसे जानी, उसके लिए आपका रूल्स और रेगुलेशन जानना ज़रूरी है। और ये भी इससे पहले, सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, टेंसेस का। देखिए गाइज, कि जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे, आप ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे, ना ही एक्टिव पैसिव। तो जिन बच्चों का लॉजिकल पार्ट यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो अच्छी तरह से लर्न है, आता है जिनको टेंसेस, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वो इस पार्ट भी इजीली कर ले जाएंगे। एंड कितने मार्क्स आपके अचीव कर रहे हैं इस पोर्शन से, 12 मार्क्स, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका यदि आप थ्योरेटिकल में वीक भी हैं, इन दैट केस 12 मार्क्स आपके इस चीज़ से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। देखिए, पंचुएशन कुछ नहीं होता, है ना, बचपन से आप इंग्लिश में रीडिंग करते आ रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज़ हो रहा है,
और अदर साइन हैं तो कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्सरसाइजेज आपके जो आपके लेक्चरर ने बुक्स प्रेफर की हुई हैं उसमें आप करेंगे, रीड करेंगे उसे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली कर लेंगे और अचीव करेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ग्रामर में। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू सिर्फ आपका जो पाथ है उसे ईजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वोकेबुलरी पार्ट, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो कि कम टाइम बचा है आपके पास, तो वोकेबुलरी का बहुत बड़ा पोर्शन है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको, यदि आपने उसे नहीं किया है, या जितना पोर्शन आपने किया है, जैसे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसी को रिवाइज करें। तो जितना आपने किया है, कुछ भी नया नहीं है, नया कोई भी टॉपिक आप शुरू ना करें इस टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिक्चर कंपोजिशन एंड पैराग्राफ राइटिंग। इसमें क्या होता है, कोई पिक्चर दे दी जाती है आपको, और उसके ऊपर आपको एक स्टोरी मेकिंग करनी होती है। या फिर पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, एक पैराग्राफ किसी टॉपिक पे लिखने को दे दिया जाता है। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब कि आपका टेंसेस जो है क्लियर है। अदरवाइज आप रूल्स रेगुलेशन टेंसेस के नहीं जानते हैं, टेंसेस में प्रेजेंट का क्या है, पास्ट का क्या है, एंड फ्यूचर में क्या है, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनडेफिनिट में क्या रूल है प्रेजेंट में, एंड पास्ट इनडेफिनिट में क्या रूल है, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा, है ना। मैंने देखा है अधिकतर बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली यही आती है, एक जगह और वो कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, क्या रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप रूल्स, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि रूल्स जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करिए, उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 टाइप्स की मैंने यहाँ पे कैटेगरी रखी है, स्टूडेंट्स की भी एंड मेरी जो स्ट्रेटजी है वो भी 2 टाइप्स से, कि फर्स्ट पर्सन मैंने लिया है जो कि आपका थ्योरेटिकल है, एंड सेकेंड वन इज बिलोंग्स टू ग्रामर पार्ट, आप कह सकते हैं कि लॉजिकल पार्ट, है ना। तो इससे आप पासिंग मार्क्स इजीली ले सकते हैं जी। जो स्ट्रेटजी हमने शेयर की है आप उसको देखिए एंड उसका फ़ायदा उठाइए, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो आप ही को करना है। एंड थैंक्स टू वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मेन्स जो बेसिक है लॉजिकल पार्ट का टेंसेस, उसको हम लेके आएंगे। थैंक यू।